एचआईवी या एड्स इन्फेक्शन से कैसे बचे, ये होता क्या है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त जन्य महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी अभी एक युवक आया था, 30 साल का था, और बहुत ही डिस्टर्ब, बोले बार 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 मुझे विचार आ रहे कि भाई मुझे एचआईवी तो नहीं हुआ, एड्स तो नहीं हुआ, और मेरा क्यों ऐसा लग रहा है। नहीं, बोले मैंने एक महीना पहले एक लेडी के साथ में अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, और वो तो ऐसी मजाक मजाक में हुआ, मेरा कोई इरादा नहीं था वगैरह वगैरह, वो सब स्टोरी बता रहा था। बोले ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। बोले मैंने बोला भाई टेस्ट कर लो। तो बोले नहीं, आप मुझे बताओ कि एचआईवी होता क्या है और थोड़ी मेरे को जानकारी दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मैंने उसको बताया, वो आपको अभी कथन कर रहा हूँ, कि एचआईवी ये जो है ना, ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, एचआईवी। और एचआईवी वायरस जो है ये ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। जब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो तब ये वायरस ट्रांसफर होता है। तो एक तो आपका खून, ब्लड जो है वो इन्फेक्टेड है, उसमें एचआईवी वायरस है, या सीमेन में है, या वजाइनल जो सिक्रीशन है, वजाइनल फ्लूइड्स उसमें है, तो इससे वो ट्रांसमिट होता है। करीब करीब 10 लाख के ऊपर लोग हमारे देश में हैं जो डायग्नोज है और जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और वो हर साल 10 लाख लोग तैयार हो रहे हैं। एक स्टडी के अनुसार हर साल 10 लाख लोग तैयार हो रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रमाण अभी एचआईवी का है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो ये वायरस अंदर, बॉडी के अंदर जाता है। तो ये वायरस क्या करता है, ये वायरस करता है हमारे जो सफ़ेद पेशियाँ जो है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है बॉडी की, जो प्रतिकार शक्ति है, प्रतिरोधक शक्ति है, वो शक्ति जो उसको खा डालता है, मतलब उसको कमजोर करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो फिर व्हाइट ब्लड सेल्स को कमजोर किया, हमारी ताकत कम हो गई। अब जब ताकत कम हो गई तो नेचुरली कोई भी इन्फेक्शन हमको हो जाता है, जैसा टीबी है या टाइफाइड है, या मतलब कोई भी इन्फेक्शन आप समझ के चलो कि कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा, जल्दी पकड़ लेगा, और बीमार आदमी होता है और फिर वो बीमारी में मरता है। तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, एड्स ऑटो इम्यून डिसीज। मतलब ये ऐसे डिसीजेस है कि जिसमें आपकी प्रतिकार शक्ति, जो प्रतिरोधक शक्ति जो है वो कम हो गई है, तो अभी कोई भी डिसीज आपको पकड़ लेगा और उसमें अलग 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 बीमारियां होंगी और उसमें आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर इसका करना क्या है, देखो लोग पूछते कि नहीं नहीं मैंने तो एक एड्स वाला था उसको मैंने झप्पी मारी। नहीं, झप्पी मारने से एड्स फैलता नहीं है, या किस किया, नहीं किस से भी नहीं होता है, मगर हाँ किस से हो सकता है, यदि आपको यहाँ कट है जिसको किस करे उसके सलाइवा में हो सकता है कि एड्स है, मतलब एचआईवी के इन्फेक्शन, एचआईवी का इन्फेक्शन है और उसमें हो सकता है। फूड खाना खाते हैं, एक थाली में भी खाना खाए तभी कुछ नहीं होता है। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स नहीं करना है, नंबर एक। नंबर दो, मदर से, मदर को यदि है तो वो भी को जा सकता है। और तीसरा है खून, जो इन्फेक्टेड खून है, मतलब एचआईवी एक खाली व्यक्ति को हुआ है, उसको इंजेक्शन दिया और वही नीडल का वापर हमने और दूसरे आदमी को किया, तो वो ट्रांसमिट हो सकता है, या खून ही दे दिया एचआईवी का। अभी एक कुछ दिन पहले घटना हो गई कि एचआईवी वो पेशेंट को हुआ और वो पेशेंट की टेस्ट नहीं किया एचआईवी की, खून देने के पहले, ब्लड डोनेशन के पहले टेस्ट नहीं किया, और वो खून उसको दे दिया, चढ़ा दिया, और बाद में मालूम पड़ा कि वो, बाद में रिपोर्ट आया कि इसका एचआईवी पॉजिटिव है। तो ऐसा भी हो सकता है, गलती से हो सकता है, पता नहीं, और अननेसेसरी वो जिंदगी भर आदमी सफ़र करेगा फिर। तो इसमें ये है कि भाई अनप्रोटेक्टेड सेक्स मत करो, ब्लड टेस्ट करते जाओ। जो सेक्सुअली एक्टिव व्यक्ति जो है उसने कम से कम एक बार तो भी ये टेस्ट करना चाहिए कि भाई एचआईवी इन्फेक्शन हमको हुआ है कि नहीं हुआ है। और एचआईवी होता है तो उसके लिए थेरेपी है, ट्रीटमेंट है, यदि आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो कम से कम वो एड्स नहीं होगा, मतलब एड्स तक जाएगा नहीं, क्योंकि फिर वो इम्यून सिस्टम कम करता है, प्रतिकार शक्ति कम करता है, तो उसके लिए हम दवाई लेते हैं ताकि हमारी प्रतिकार शक्ति बने रहे और हमको बाकी बीमारियां न होए। एचआईवी 18 से 45 दिन बाद में इसकी एचआईवी की टेस्ट करनी चाहिए, 18 से 45 दिन के अंदर वो पॉजिटिव हो सकता है। वैसा तो कुछ बता दें कि 90 दिन तक की भी वो पॉजिटिव आ सकती है। तो तुरंत, मतलब कल सेक्स किया अनप्रोटेक्टेड और आज टेस्ट किया तो हो सकता है कि वो नेगेटिव आ जाएगा। तो कम से कम 18 दिन का टाइम देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक, 90 दिन के बाद में यदि वो नेगेटिव आती है तो समझ जाना कि एचआईवी नहीं है। तो ये टेस्ट करके एक बार आपको मालूम पड़ा कि है तो फिर आप थेरेपी ले सकते हैं और जो पॉसिबल एड्स होने वाला है उससे आप बच सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, और हो सकता है कि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो करते उसको प्रिवेंट करो, मतलब कंडोम का वापर करना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है,
वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।